2023 खत्म होने वाला है, 2024 के गेट में हम आके खड़े हैं और लोगों का जो अटेंशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि लोगों को टिकटॉक की वजह से, इंस्टाग्राम रील्स की वजह से जो है वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखने की आदत लग चुकी है। इसमें ऐसे में यूट्यूब ने भी उसको हेल्प की, यूट्यूब शॉर्ट्स ला के अब लोगों को इतना छोटा कॉन्टेंट देखने की आदत हो चुकी है कि लोग एक कॉन्टेंट पे कुछ मिली सेकेंड से ज़्यादा स्टे ही नहीं कर पाते हैं। लोगों को बस स्वाइप करना है और नया नया कॉन्टेंट कंज्यूम करना है। ऐसे में अगर आप YouTube पे वीडियोस अपलोड करते हो और किसी के फीड में अगर आपका वीडियो लोगों को दिखाया जाता है, तो ऐसे में वो बंदा एक सेकंड में डिसाइड करेगा कि उसे आपका वीडियो देखना है या नहीं देखना है। और ये किस पे बेस करता है, ये किस पे डिपेंड है कि आपका वीडियो वो बंदा देखेगा, आपके वीडियो के थंबनेल पे। अगर आपके YouTube वीडियो का थंबनेल उतना अट्रैक्टिव है, उतना कैची है कि वो बंदा आपकी वीडियो को देखने के लिए मजबूर हो जाए, तो ऐसे में आपकी वीडियो पे व्यू आएगा। पर अगर आज भी आपकी वीडियो का थंबनेल वही पुराने जमाने जैसा थंबनेल है, तो फिर वो बंदा आपकी वीडियो को एक सेकंड में स्किप कर जाएगा और किसी नई वीडियो को देख लेगा। तो बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे 2024 के हिसाब से क्लासिक थंबनेल बना सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं एक अट्रैक्टिव थंबनेल कैसे बनाना है। तो थंबनेल कैसे बनाना है ये बताने से पहले मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा ताकि आप और बेहतर तरीके से थंबनेल बना पाओ। जब YouTube नया नया भारत में वायरल होना शुरू हुआ था, जब फेमस होना शुरू हुआ था, तब लोग जो है वो बहुत फैंसी टेक्स्ट यूज़ किया करते थे अपने थंबनेल बनाने के लिए, क्योंकि तब इतना YouTube का क्रेज़ नहीं था, तो नया नया सब सीख रहे थे। तो ऐसे में आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारे अलग अलग लेवल के थंबनेल्स देखे होंगे, जहाँ पे बहुत फैंसी टेक्स्ट है, बहुत फैंसी बैकग्राउंड्स यूज़ किए हैं, या फिर कई और कई स्टिकर यूज़ किए, या फिर कई और कुछ यूज़ किया है। और अभी हम जिस ज़माने में हैं, अभी जो ट्रेंड चल रहा है, जिस जनरेशन के साथ हम हैं, वहाँ पे लोगों को पसंद है सिंप्लिसिटी, फैंसी विथ सिंप्लिसिटी, नॉट दैट फैंसी नॉट दैट सिंपल, बट जब दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए और तब जो आउटपुट निकल के आता है वो एक परफेक्ट थंबनेल हम कह सकते हैं। तो अभी हमें कोई एक इतना फैंसी फॉन्ट यूज़ नहीं करना है, हम यहाँ पे सिंपल फॉन्ट्स यूज़ करेंगे आपके थंबनेल को डिस्क्राइब करने के लिए। ज़्यादा टेक्स्ट नहीं लिखेंगे उसमें, क्योंकि ये जो होता है ज़्यादा टेक्स्ट लिखना, ये नॉट रिलेवेंट, इट इज़ नॉट रिलेवेंट कि आप इतना ज़्यादा टेक्स्ट लिखो। वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा आलसी है, लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं करते, और अगर आप ऐसे में थंबनेल में बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखोगे तो लोग उसे पढ़ेंगे नहीं, सीधा स्क्रॉल कर देंगे। तो हम इस चीज़ को भी अवॉइड करेंगे। और हम ग्राफिक्स भी अगर यूज़ करेंगे तो बहुत सिंपल ग्राफिक्स यूज़ करेंगे, जो कि अट्रैक्टिव लगे और जो लोग क्लिक करना पसंद करें। तो यही बातें थी जो मुझे आपसे करनी थी। अभी हम देखते हैं कि थंबनेल कैसे बनाना है और इसके लिए कौन सा एडिटिंग ऐप यूज़ करें, तो इसके बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये डिबेट है कौन सा ऐप यूज़ करें कौन सा नहीं। जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जहाँ पे आपको बेसिक फीचर्स मिल जाए, वो आप ऐप यूज़ कर सकते हो। मे बी वो कैनवा हो, पिक्सल लैब हो गया, स्नैपसीड हो गया, स्नैपचैट हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, किसी भी ऐप में आप एडिट कर सकते हो अगर करना आता है। तो अभी हम यूज़ करेंगे पिक्सल लैब, क्योंकि मैं उसमें कंफर्टेबल हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे थंबनेल बनाना है। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं पिक्सल लैब में, और आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी एक बैकग्राउंड सेट किया है। तो मैंने मेरी इस करंट वीडियो की थीम के हिसाब से यहाँ पे बैकग्राउंड सेट करके रखा था। मैंने वैसे पहले ही थंबनेल बनाया है ताकि मैं आपको और बेहतरीन तरीके से बता पाऊँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा बैकग्राउंड आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये बैकग्राउंड मेरी थीम के बैकग्राउंड के हिसाब से मैंने सेट किया है। तो आपको भी आपकी थीम के हिसाब से बैकग्राउंड सेट करना है तो आप सेट कर सकते हो, जो कि एक आपके वीडियो को, आपके थंबनेल को अट्रैक्टिव लुक देता है, क्योंकि आपका जो फेस होता है वो उसी थीम के ऊपर होता है। अगर आप कोई एक्स्ट्रा पिक्चर यूज़ करने वाले हो खुद की, तो ऐसे में ठीक है, पर अगर आप आपकी आपके वीडियो में से स्क्रीनशॉट यूज़ कर रहे हो, तो ऐसे केस में आप ट्राई कीजिए कि आप बैकग्राउंड थंबनेल का ऐसा चूज़ करो जो कि आपके थीम को मैच करे। फिर अभी आपको क्या करना है, अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसा मैंने थंबनेल बनाया, हम उसको एक एक करके रिवील करते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लेयर्स में जाने के बाद मैंने इसको अनहाइड कर दिया। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ये फोटो यूज़ की है, जो कि मैंने मेरे वीडियो शूट करते टाइम निकाली थी। मैंने इसको थोड़ा सैचुरेट किया है फोटो को, ताकि एक वो अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करता है और साथ में लोगों का ध्यान खींचता है। जब कोई चीज़ आपके आँखों को चुभती है, आपको ये साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि जब कोई भी चीज़ आपके आँखों को चुभती है, तो आपको आपका ध्यान उसकी तरफ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दूध कितना भी सफ़ेद हो, पर उसमें अगर एक भी काला दाग है, तो आपका ध्यान जो है वो उस काले दाग की तरफ जाएगा। तो बस सेम चीज़ आपको यहाँ पे थंबनेल के मैटर में यूज़ करनी है। आप ऐसे कलर यूज़ कीजिए, पंची कलर यूज़ कीजिए, जो कि लोगों की आंखों में चुभे, ताकि लोग उसको देखें कि यार कुछ तो भी मुझे नया दिखाई दिया है, समझे। तो आपको क्या करना है, वैसा कलर चूज़ करना है। तो मैंने मेरे फोटो को थोड़ा सैचुरेट किया, और बाद में थोड़ी बैक बॉर्डर्स वगैरह अप्लाई की, बैकग्राउंड रिमूव किया, एंड देन फिर मैंने क्या किया, मैंने एक टेक्स्ट लिखा। आप देख सकते हो मैंने सिंपल दो टेक्स्ट लिखे, 2024 जनरेशन थंबनेल्स, क्योंकि आपने देखा होगा यही थंबनेल इस वीडियो पे अप्लाई किया है, जो कि मैं करने वाला हूँ, और ये आप इस वीडियो पे आपने देखा होगा। तो मैंने सिंपल लिखा 24 जनरेशन थंबनेल्स,
मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि 2024 की जनरेशन के हिसाब से थंबनेल्स कैसे बनाएं। और साथ में आपको यहाँ पे एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने ज़्यादा कलर्स कोई लाइक ज़्यादा वेराइटी ऑफ कलर्स यूज़ नहीं किए, मैंने बहुत सिंपल कलर्स यूज़ किए जो कि एक बैकग्राउंड के ऊपर निखर के आते हैं, क्योंकि कोई भी कलर जब आप किसी भी फोटो के ऊपर देखते हो तो वो कलर उस बैकग्राउंड कलर से पूरा अपोजिट होता है, जो कि आपको क्लियरली दिखता है और वो कलर उस बैकग्राउंड पे सूट भी करता है। तो मैंने आप देख सकते हो मैंने ब्लैक कलर, व्हाइट कलर और येलो कलर, और फिर जो थंबनेल्स का टेक्स्ट है उसको मैंने शेडो अप्लाई किया ताकि वो एक डेप्थ प्रोवाइड करे जहाँ पे आपका स्पेशली ध्यान जाना चाहिए, ये मुझे लगा था तो मैंने वो अप्लाई कर दिया। दैट्स इट। अभी इतना करने के बाद फिर मैंने क्या किया, मैंने सिंपल एक टेक्स्चर यूज़ किया पेपर का, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक थोड़ा पेपरी टेक्स्चर, आप यहाँ पे ट्रायंगल देख रहे होगे, तो मैंने उसको थोड़ा उसका क्या बोलते हैं पर्सपेक्टिव चेंज किया एंड देन फिर मैंने उसे यहाँ पे अप्लाई कर दिया, जिससे कि एक थोड़ा क्या बोल सकते हैं हम ग्राफिकल ग्राफिक टाइप का एक एलिमेंट इस थंबनेल में ऐड हो गया, जो कि देखने में अच्छा लगता है और थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाता है। फिर मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, मैंने यहाँ पे यूज़ किया एक यूट्यूब का आइकन, क्योंकि वीडियो ऑफकोर्स इस बारे में है कि यूट्यूब का थंबनेल कैसे बनाना है, तो मैंने यूट्यूब का आइकन यूज़ किया और उसे थोड़ा ऐसा ऑर्डनली प्लेस कर दिया जहाँ पे ये और बेटर लगेगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक कॉर्नर में यूट्यूब का आइकन प्लेस कर दोगे बाद में फिर थंबनेल लाइक एक टेक्स्ट अप्लाई कर दोगे तो वो इतना फैंसी और इतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। फिर और मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने और एक चीज़ यूज़ की, जो कि मैंने थोड़ा और एक बैकग्राउंड यूज़ किया ऑरेंज टाइप का। आपको आपके इस थंबनेल के एकदम राइट साइड में देखना है, आपको यहाँ पे एकदम राइट साइड पे देख रहे होगे यहाँ पे एक थोड़ा ऑरेंज कलर का इफेक्ट है, क्योंकि मेरे फेस के हिसाब से आप देख सकते हो मेरे फेस पे लेफ्ट साइड में ऑरेंज कलर है और राइट साइड में ब्लू कलर है, तो मैंने बस उनको स्वैप कर दिया और उसको ऐसा प्लेस किया ताकि वो एक अट्रैक्टिव लुक प्रोवाइड करे, क्योंकि ऑरेंज कलर के ऊपर ब्लू कलर जो है वो निखर के आ रहा है और ब्लू कलर के ऊपर व्हाइटिश कलर या फिर ऑरेंज कलर जो है वो निखर के आ रहा है। और दैट्स इट, मैंने इतने इसमें इस थंबनेल को निपटा दिया, इस थंबनेल को पूरा कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से थंबनेल बना सकते हो, डोंट यूज दैट फैंसी टेक्स्ट या फिर फॉन्ट्स जो कि लोगों को क्रिंज लगते हैं, लोग देखना पसंद नहीं करते। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वैसे तो बहुत सारे फॉन्ट्स अवेलेबल है, अगर हम फॉन्ट्स में जाए यहाँ पे एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँ, मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया और अगर मैं यहाँ पे फॉन्ट्स में जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट्स मिलेंगे, पर ये जो फॉन्ट्स होते हैं वो इतना क्लासिक फॉन्ट्स नहीं लगते, एक स्टैंडर्ड फॉन्ट नहीं लगते, ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश फॉन्ट लगते हैं। और पहले पहले जब यूट्यूब नया नया आया था तो लोग इन फॉन्ट्स को देख के अट्रैक्ट होते थे, क्योंकि तब लोगों में इतना थंबनेल्स इतना यूट्यूब का क्रेज नहीं था और लोगों को इतना ग्राफिक्स के बारे में ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में इतना आइडिया नहीं था, तो लोग उस पर क्लिक कर देते, उन वीडियोज़ पर व्यू भी आ जाते थे। पर अभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा चॉइस करके बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होकर वीडियोज़ देखते हैं, और ऐसे में अगर आप ऐसे फॉन्ट यूज़ करोगे तो आपके थंबनेल को बहुत ज़्यादा बोरिंग और बहुत ज़्यादा क्रिंज बना देगा। तो बस आपको इसी तरीके से फॉन्ट्स यूज़ करना है, आपको एक सिंपल फॉन्ट यूज़ करना है जो कि आप बहुत सिंपल बहुत प्लेन फॉन्ट यूज़ करो और बस उसको बोल्ड करो या फिर इटैलिक करो जिससे कि लोग उसको देखें। डोंट मेस विद दैट फॉन्ट, जस्ट थोड़ा सा क्रिएटिव करो एंड दैट्स इट। आप इस तरीके से जो है वो बहुत अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो, सिंपल प्लस अट्रैक्टिव। सो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।